चित्रकूट पाठा क्षेत्र बेरोजगारी के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाला क्षेत्र है, लेकिन अब बदलते दौर के साथ चित्रकूट की अब तस्वीर भी बदल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प के साथ चित्रकूट के किसान खुद को आत्मनिर्भर बनाने में जुट गए हैं। वे अब गेहूं, चावल, सरसों के इतर अब मिर्ची की खेती कर आय दोगुनी कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चित्रकूट जिले के पाठा क्षेत्र के अरहामाफी गांव की, जहां के किसान अब आत्मनिर्भर बनते हुए अपनी ज़मीन में मिर्ची की खेती कर रहे हैं। उन्होंने इस खेती की शुरुआत आज से 3 से 4 साल पहले शुरू की थी और अपने खेतों में मिर्ची की खेती कर उनको बाज़ारों में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। वह अपने खेत के 3 से 4 बीघा में मिर्ची की खेती कर रहे हैं। हमारे गांव में लगभग 13 से 14 बीघा खेती होती है मिर्ची की, जिसमें क्या है एक बीघा में 80-85 हज़ार रुपये बचत हो जाती है अगर भाव सही रहा तो, उससे ज़्यादा भी हो जाती है। अभी जैसे 4 हज़ार का भाव चल रहा है, अभी 4 हज़ार का भाव 10 क्विंटल निकलेगा तो 40 हज़ार एक ही तोड़ान में हो गया। तो कैसे तैयार होता है ये, पहले क्या करते हैं? मिर्च को पहले जो है बीज लाते हैं, उसकी फिर नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार होती है 35 से 40 दिन में, फिर वो पौध को उखाड़ करके खेत में तैयारी की हुई होती है मिट्टी की, उसमें जो है बेड डेढ़ डेढ़ दो दो फीट की दूरी में उसको पौधा को रोपण किया जाता है, जिसके 35 से 40 दिन के बाद इसमें फल फूल आना शुरू हो जाते हैं। इतना कितने साल तक? ये 8 महीने तो कंटिन्यू फल देता ही देता है। बाकी फिर हमारे यहाँ बुंदेलखंड इलाका, पिछड़ा इलाका, यहाँ पानी नहीं है, पानी की वजह से समस्याएं हैं, जो हम भरपूर खेती ढंग से हम खुद ही नहीं कर पा रहे अपनी खेत से संतुष्ट। वो कितना पानी लगता है इसमें? पानी तो अभी ठंड में थोड़ा कम लगता है, अब देखो पानी की ज़रूरत है, पानी नहीं है। लगभग फिर भी इसको तैयार होने में लगभग वो कितना पानी चाहिए? हम लोग अभी 12-13 पानी दे चुके होंगे, मतलब जो ट्यूबवेल से दिए ऊपर वाले के बाद, और अभी इसको कम से कम मार्च तक फलना ही फलना है मिर्च। वो कहाँ बेचने जाते हैं इसको? यहाँ से यहाँ सतना जाते हैं, फिर करवी है, यही जाते हैं अभी। क्या नाम है आपका? अशोक चंदेल। कौन सा गांव है? बराह माफी। आखिर ये कैसा लगा आपको कि हम इसकी खेती करें, हम मिर्चा की अन्य खेती छोड़कर? हमारे यहाँ जानवरों का, छुट्टा जानवरों का बहुत ज़्यादा आतंक है और पानी की भी कमी है। हम गेहूं और बाजरा ये सब की खेती करते हैं, धान की भी करते हैं, मगर उसमें पानी ज़्यादा लगता है। अब ये है तो इसमें हर 45 से 50 दिन में ये फसल जो है फल देना शुरू कर देती है, फल देते रहे, हम बेचते रहे, अपनी इसके अलावा जो भी किसानी है वो भी चलती रहती है, तो खर्च इसी निकलते रहता है।